दोस्तों, जिस तरीके से छोटा बच्चा पैदा होने के बाद उसके किसी भी काम के लिए या किसी भी आईडी के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति की या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट बनाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की क्या ज़रूरत है, आदमी मर गया, काम ख़त्म। लेकिन बहुत सारे काम दोस्तों ऐसे हो जाते हैं, अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बहुत सारे कामों में आपको दिक्कत हो जाएगी। और वो काम कौन कौन से है, गवर्नमेंट जॉब में है या किसी प्राइवेट जॉब में है, और उसके बाद उसकी फैमिली को या उसकी वाइफ को पेंशन मिलनी है, तो पेंशन लेने के लिए दोस्तों व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप पेंशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कामों में डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। मान लो जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों उस व्यक्ति ने अपना कोई इंश्योरेंस कराया हो, FD कराई हो या LIC कराई हो, अगर आपको उसका पैसा चाहिए तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और बहुत सारे दोस्तों केस तो ये आते हैं, अगर आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है चाहे बैंक अकाउंट में हो या किसी भी तरह से हो, उसे कोई आदमी गलत तरीके से अपने नाम भी करा सकता है, तो डेथ सर्टिफिकेट बनाना हर तरीके से सेफ है। हो सकता है दोस्तों आपने अब से पहले भी YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होगी, तो सबने बड़ी बड़ी थंबनेल लगाई है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाए चाहे किसी भी स्टेट का, ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मोबाइल पर फटाफट फॉर्म सबमिट करें और क्लिक करें और डेथ सर्टिफिकेट निकल के आपके पास आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसकी एक प्रक्रिया है जो मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपना डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पर जमा करना है और कितने दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है, सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम बात यही कर लेते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या आईडी होनी चाहिए। तो आईडी क्या होनी चाहिए, मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, वो आपकी फैमिली में से है, तो फैमिली में से किसी भी एक मेंबर की आईडी चाहिए। अब आईडी में क्या चाहिए, फैमिली में से किसी भी एक मेंबर का आधार कार्ड चाहिए, उसका फ़ोटो चाहिए और उसका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर चाहिए। ये तो हो गई दोस्तों एक आईडी फैमिली मेंबर की। उसके बाद दोस्तों जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके लिए दोस्तों दो गवाह भी चाहिए। गवाह दोस्तों यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है जिससे गवर्नमेंट को पक्के सबूत मिल सके कि हाँ इस व्यक्ति की रियल में डेथ हुई है। अब गवाह की क्या आईडी चाहिए, गवाह का आधार कार्ड चाहिए दोनों का, उनका एक एक फ़ोटो, साइन और मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से अभी तीन आईडी हो जाएगी, एक फैमिली मेम्बर की और दो कोई भी गवाह की। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी क्या आईडी चाहिए, उसकी कोई भी एक आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या पुराना अगर आदमी है और उसकी कोई आईडी नहीं है तो फिर भी उसका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब ये सभी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा अब हमारे यहाँ पर एक आईडी और आ जाती है, आप जिस भी एरिया में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, तो आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान या सभासद बनता होगा, उनसे एक लेटर पैड लिखवाना है डेथ सर्टिफिकेट के लिए। और इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके क्रियाक्रम का सामान आता है, अगर आप मुसलमान हैं तो कफन वगैरह ये चीज़ें आती है, या अगर आप हिंदू हैं या किसी और भी धर्म में, जो भी यानी क्रियाक्रम का सामान आता है उसकी एक पर्ची मिलती है उस दुकान से, तो उस पर्ची को भी आपको अटैच करके रखना है। अब आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफ़े में, वहाँ पर जाकर डेथ सर्टिफिकेट की जो एक फॉर्म होता है उसको ऑनलाइन फिल कराना है। अब ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है, हो सकता है सभी स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हो सकती है। मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये यूपी के लिए बनाया है, अगर आप यूपी से हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में यहाँ पर एक लोचा है, यहाँ पर एक सिस्टम है ऑनलाइन के लिए, अगर व्यक्ति की जो डेथ हुई हुए 21 दिन के अंदर है, मान लो आज 1 तारीख है व्यक्ति की डेथ हुई है, तो उसके 21 दिन बाद तक ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर 21 दिन पूरे हो चुके हैं, मान लो किसी व्यक्ति को मरे हुए 1 महीना, 1 साल या 5 साल हो चुके हैं, फिर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं अपनी बर्थ अथॉरिटी में। अब ये बर्थ अथॉरिटी कहाँ होती है, आपको जो भी नगर निगम हो या आपका ब्लॉक हो या आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जहाँ पर भी आपका डेथ का और बर्थ का काम होता है
वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन में परमिशन होती है वो 21 दिन होती है, लेकिन उनके पास परमिशन होती है चाहे कितने भी दिन हो गए वहां पर आपका फॉर्म भर जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद वहां से आपको एक प्रिंटआउट मिलेगा, तो ये सभी आईडी लगाकर उस प्रिंटआउट को ऊपर रखना है और स्टेपलर लगा देना है। इतना काम करने के बाद जहां पर भी आपके फॉर्म जमा होते हैं, जिस भी खिड़की पर जमा होते हैं, वहां पर जाकर फैमिली मेंबर उस फॉर्म को जमा करेगा जिसकी भी यहां पर आईडी लगी है। अगर फॉर्म में जो थोड़ी बहुत कमी लगती है वो यहां पर थोड़ी बहुत सही करेंगे, स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रोसेस हो सकता है अलग हो, लेकिन बाकी सभी चीज़ें सेम है। अब जब वहां पर आप ये फॉर्म जमा कर देंगे तो आपका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। कितनी फीस लगेगी, तो यहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए यहाँ पर जीरो फीस है, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका फॉर्म वहाँ पर जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक पर्ची या रसीद वापस मिल जाएगी। अब आपको अपने घर पर वापस आ जाना है, उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का या एक महीने तक का वेट करना है, उसके बाद आपका डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। ऑनलाइन जनरेट होने के बाद अब ये भी स्टेट वाइज अलग अलग सुविधा है, अगर आपने अपनी आईडी से ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आप वहां से डाउनलोड करेंगे, अगर आपने नगर निगम में या किसी बर्थ अथॉरिटी में वहीं पर फॉर्म भरवाया होगा तो आपको उस पर्ची को लेकर जाना है, वहां से आप स्टेटस भी चेक करा सकते हैं और डेथ सर्टिफिकेट भी वहीं से डाउनलोड कराकर प्रिंट आउट कराकर रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा जेन्युइन प्रोसेस, कैसे आप किसी भी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं है, कोई बताएगा आपको मोबाइल उठाओ टक टक करो और डेथ सर्टिफिकेट घर पर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा उसके लिए यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जाना पड़ेगा ऑफिस में, तभी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट रेडी होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की आप नॉलेजेबल और रियलिटी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।